Oh,
क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं सोल नहीं है टांग बोलते हैं उसको इंसोल इंसोल ओके इंसोल और इसके बाद टांग ऑफ द शू जो मर्जी कह लो व्हाट एवर इट इज वो जो है ना लेस बांधते वहां पर रहता है ऐसे उसको आदमी पकड़ के खींच के पहनता है बोलते उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि सब कुछ करते हैं गोविंद का गुणगान नहीं करते हैं बोलते हैं सूरदास जी महाराज इस बात को बतला रहे हैं कि एक चतुर व्यक्ति कौन है पशु को जीभ है लेकिन वाणी नहीं है वो बोल नहीं सकता गोविंद का नाम नहीं कर सकता
हम कर सकते हैं। आंख है तो भगवान का रूप देख सकते हैं, मन है उनको मन में बिठा के उनका ध्यान कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। सार्थक जन्म वाला व्यक्ति कौन है, एक मनुष्य के जन्म की सार्थकता किसमें है, श्री सूरदास जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। उनके शब्दों को याद करके उन्हें नमन करते हुए आरती के साथ इस संकीर्तन को विश्राम करें। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, उपलब्धि को लेकर अपनी अनुभूतियों को हमारे आगे रखते हुए बताते हैं। क्या बोलते हैं, हरिनाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। प्रभु ने कृपा करके जो जीव तुमको दिया है उसको उनके नाम के उच्चारण में प्रयोग करना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। सोई रसना जो हरि गुण गावे, नयनन की चर्या चतुर अनंत ब्रह्मांड रह सकता है।
क्योंकि कोई भी वस्तु कृष्ण से बाहर नहीं। कृष्ण जिसके हृदय में है उसके हृदय में अनंत ब्रह्मांड रह सकता है। इसलिए कृष्ण भक्त के लिए ही बताया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुंधरा के अंदर वास करने वाले हर जीव, वो चाहे मनुष्य हो, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी देश का क्यों ना हो, या कोई भी योनि में हो, वो कुत्ता हो, यहाँ तक कि सुअर भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, सब उसका परिवार हो जाता है। वो हरेक से प्रेम करने लगता है। आज एक दूसरे के प्रति प्रेम का ना होने का मूल कारण यही है कि हमारे जीवन में गोविंद को छोड़कर बाकी सब कुछ है, इसीलिए कोई किसी का नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, कृष्ण बिना जिए और न भावे, और किसी चीज के प्रति उसका आकर्षण ही नहीं होता, नहीं तो चित्त मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। क्योंकि एक के प्रति अच्छा भाव रखना, दूसरे के प्रति दुर्भाव रखना, उसको साफ दिल नहीं कहेंगे। इसलिए यहां पर बता रहे हैं, श्रवणन की जुगहे अधिकारी, श्रवणन की जुगहे अधिकारी, सुनी हरि कथा सुधारस पावे, सुनने से अनर्थ हो जाएगा। ऐसा आजकल ये नया ऐप आया, हमको भी किसी सज्जन ने बोला था कि स्पॉटिफाई डाउनलोड कर लो, मतलब टाइम नहीं है इसे। बाद में हमने देखा हमारा फोन में बाय डिफॉल्ट वो ऐप है, जिसने पहले दिया उसने ऐप डाउनलोड करके रखा होगा। इतना समय बेकार करना, जीवन में मनोरंजन जो करने का कोशिश करेगा
याद रखिएगा, एक दिन जीवन मनोरंजन हो जाएगा। लाइफ इतना प्रीशियस है, जो मरने वाला व्यक्ति है उसके पास जाके पूछना, जो मर रहा है उससे पूछना जीवन का कीमत क्या है। जो साबूत है ना उसको समझ नहीं आता। जीवन में केवल आत्मरंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं। मनोरंजन होने से एक दिन जीवन के साथ में प्रकृति मनोरंजन करेगा, वो फिर हम बेर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्य इस बात को कहते हैं, सुनी हरि कथा सुधा रस पावे। कुछ भी तुम श्रवण करते हो वो सब वास्तविकता में विष की तरह काम करता है। अमृत अगर तुम अपने कान में डालना चाहते हो, सुनी हरि कथा, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करना, वही अमृत है, बाकी सब विष। आगे बोलते हैं, करते ही जे श्याम ही सेवई। हाथ क्या है? वही है जो श्याम सुंदर की सेवा में लगे। चरणन चली वृंदावन जावई, पांव दिया है गोविंद ने तो वृंदावन की तरफ चलना, हाथ दिया तो श्याम सुंदर ने उनकी सेवा में लगाना, तभी इस जन्म की सार्थकता है, अन्यथा इस जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, ये सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, बहुत महान भक्त हैं, उनके दिव्य वाणी को हम स्मरण कर रहे हैं प्रेरणा लेने के लिए। करते जे श्याम ही सेवई, चरणन चली वृंदावन जावई, thank you.
हरि बोल का ध्वनि करते रहना। ये हरि किसको बोल रहे हैं? सूरदास जी बोल रहे हैं, हे रसना, मतलब जीवा को बोल रहे हैं कि हरि गुण गाना। तो यहाँ हम खुद को ही बोल रहे हैं, हरि बोल किसी और को नहीं बोल रहे हैं, हम अपने आप को बोल रहे हैं। हरि का नाम क्यों नहीं बोलता है? क्यों? हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, तुम्हारा मतलब अपना, दूसरे का नहीं। हरि मेरा है इसलिए मैं उनका भजन करूंगा, हरि बोल करूंगा। कैसे करूंगा? ब्रेथलेसली करना है। इसलिए उसको भागवत में बताया, ब्रेथलेस मतलब आप ये नहीं सोचिए शंकर महादेवन का बात हो रहा है, ये भागवत जी की बात है। अप्रतिहता जो वर्ड यूज हुआ है, अप्रतिहता वर्ड जो यूज हुआ है उसका अर्थ यही है कि ब्रेथलेस होके करना है। इसलिए ध्रुव महाराज ने जब तपस्या किया था, पहले फल खाया, पत्ते खाया, पानी पिया, सब होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आ गया, वो सांस लेना भी छोड़ दिया, क्योंकि सांस लेने के टाइम में भी गैप आता है। जब हम लोग गा रहे होते हैं, जब सांस लेते हैं बीच में, वहां थोड़ा सा गैप आता है, थोड़े से एक सेकेंड्स का। तो ध्रुव महाराज ने सांस लेना भी छोड़ दिया, उसको बोलते हैं आप प्रतिहता, उस फ्लो के साथ में। ऐसे ही हमने हरिनाम करना है, कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। नो ना, आज तो बिल्कुल, आज बिल्कुल नहीं, ना ना ना, मन चा करवा कर नहीं, लाइव चल रहा है। आज मैं जब इधर आने लगा था, मैंने हमारे पद्मावती माता को, वो बहुत स्नेह करती है मुझे, गुरु जी की कृपा है, उनका मेरे से बहुत प्रेम है, वो बहुत स्नेह करती है। मैंने उनको आने से पहले पूछा, बाद में बोलना नहीं, पहले बोलना क्या कीर्तन गाना है। आज मैंने पूछा था आने से पहले, वो बोलती हर बार ऐसा तो बोलना मैं ठीक नहीं समझती, खुद बोल रही थी, मैं हर बार बोलू ये गाओ वो गाओ, इस बार आपके हृदय से जो गाने का इच्छा है आप वो गा के आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बोली थी। अब कीर्तन होते होते, कथा होते होते, वो अंदर का जो भी, वो जो क्या बोलते हैं, जो भी है, वो जाग गया। आप तो जाके कैसे जा सकते हो बिना के? तो ऐसा है, खैर जो भी हो, यही लास्ट कीर्तन है। ना एक कोई वो कोई वो नियम बांध के रखा कोई वो गुरुदेव के लिए, तो वो उधर जाके राधा कुंड में गा लेंगे। वो देख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी तो सब है। कीर्तन हो जाने दो, मैं तुमसे बात करता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं आधा कोई कट गया। मन चाकर आल्सो ना, फर्स्ट ही विल सिंग राधा कुंड, दैट इफ आई विल सिंग आई विल गो टू राधा कुंड, दैट्स नॉट गुड, सो आई हैव टू बी हियर फॉर सम मोर टाइम।